नेक्स्ट लेक्चर है हमारा 21। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लेबलिंग। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा? लेबलिंग है। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने प्लेन टेबल सर्वे को समझा था कि हमारा प्लेन सॉरी हमने समझा था कि प्लेन टेबल सर्वे हमारा क्या कहलाता है। आज का टॉपिक लेबलिंग है। लेबलिंग क्या होता है? देखो, लेबलिंग के अंदर होता क्या है, एक जनरल शब्दों में आप याद रखो कि हम किसी दिए हुए पॉइंट का, जैसे सर्वेइंग की हम बात करते हैं तो सर्वेइंग के अंदर हम पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं एबव एंड बिनाथ द अर्थ सरफेस। तो किसी गिवन पॉइंट का ग्राउंड सरफेस से एलिवेशन फाइंड आउट करना, एलिवेशन मतलब कि उस पॉइंट की हाइट को फाइंड आउट करना, दैट इज लेबलिंग। वो आपका क्या कहलाता है? लेबलिंग कहलाता है। अच्छा, वो ग्राउंड से जो आपने एलिवेशन फाइंड आउट किया है उस पॉइंट का, वो आप विथ रिस्पेक्ट टू, आपके पास डेटम होता है, एक उस डेटम के रिस्पेक्ट में आप उसका एलिवेशन या फिर हाइट को फाइंड आउट करते हो। तो लेबलिंग आप क्या बोलोगे? लेबलिंग जो आपका होता है, लेबलिंग इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन सिविल इंजीनियरिंग टू मेजर लेवल ऑफ डिफरेंस, टू मेजर लेवल ऑफ डिफरेंस, लेवल ऑफ डिफरेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। क्लियर? या फिर आप क्या बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ वन पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड आपको फाइंड आउट करना। क्लियर? तो यही मैंने आपको बताया है। आप सिंपल से शब्दों में याद रखो कि आप यहाँ पे क्या करते हो, फाइंड आउट एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, उसी को आप डेटम बोलते हो। डेटम के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का एलिवेशन अपने को फाइंड आउट करना है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा लेवलिंग कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा आता है कि जो लेवलिंग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो कितने टाइप की होती है, सर्वेइंग के अंदर कितने टाइप की लेवलिंग आपकी होती है। तो लेवलिंग की अगर मैं बात करूं तो आपकी चार टाइप की यहाँ पे लेवलिंग है। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइप की मैं बात करूं तो पहला आपका क्या होता है? डायरेक्ट लेबलिंग होता है। क्या होता है? डायरेक्ट लेबलिंग होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो टेग्नोमेट्रिक लेबलिंग आपका होता है। क्या होता है? टेग्नोमेट्रिक लेबलिंग आपका होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका होता है बैरोमेट्रिक लेबलिंग। और इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका होता है स्टेडिया लेबलिंग। क्लियर? कौन सा होता है? स्टेडिया लेबलिंग। मतलब लेबलिंग जो आपकी होती है वो जनरली सर्वेइंग के अंदर चार टाइप की आपकी होती है। कितने टाइप की होती है? चार टाइप की होती है। डायरेक्ट लेबलिंग होती है, टेग्नोमेट्रिक लेबलिंग होती है, बैरोमेट्रिक लेबलिंग होती है और स्टेडिया लेबलिंग होती है। क्लियर? ये चार लेबलिंग आपकी यहाँ पर होती है, चार तरीके आप बोल सकते हो कि आप लेबलिंग करते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डायरेक्ट लेबलिंग की, कि हमारी जो डायरेक्ट लेबलिंग होती है वो डायरेक्ट लेबलिंग हमारी क्या कहलाती है। ठीक है, चलो डायरेक्ट लेबलिंग की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट लेबलिंग आपका क्या होता है? देखो यहाँ पे, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ लेबलिंग। क्लियर? लेबलिंग के अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन मेथड होती है जो यूज किया जाती है, यूज की जाती है। इन दिस मेथड मेजरमेंट आर ऑब्जर्व डायरेक्टली फ्रॉम लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट। इस मेथड के अंदर जो आप मेजरमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं? जो आप मेजरमेंट लेते हैं वो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से डायरेक्टली लेते हो। कैसे लेते हो? इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से डायरेक्टली आप यहां पर मेजरमेंट लेते हो। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे बोला है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट पोजीशन डायरेक्ट लेवलिंग इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप एज फॉलो। क्लियर? किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड इंस्ट्रूमेंट पोजीशन। क्लियर? किसके बेसिस पे अपन जानना चाह रहे हैं? यहाँ पे हम जानना चाह रहे हैं किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट और इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन के बेसिस पर
जो हमारी डायरेक्ट लेबलिंग होती है वो हमारी इतने टाइप की होती है। क्लियर? कौन कौन से टाइप होते हैं वो आप देखो यहाँ पे। अगर मैं टाइप की यहाँ पे आपसे बात करूं तो सबसे पहला जो आपका टाइप आता है वो आता है आपका क्या, सिंपल लेबलिंग। क्या आता है आपका? सिंपल लेबलिंग। नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल लेबलिंग, नेक्स्ट आपका फ्लाई लेबलिंग, नेक्स्ट आपका प्रोफाइल लेबलिंग, नेक्स्ट आपका प्रिसाइज लेबलिंग और नेक्स्ट आपका रेसिप्रोकल लेबलिंग। क्लियर? मतलब डायरेक्ट लेबलिंग जो आपकी होती है वो फर्दर सिक्स टाइप की होती है, सिंपल लेबलिंग, डिफरेंशियल लेबलिंग, फ्लाई लेबलिंग, प्रोफाइल लेबलिंग, प्रिसाइज लेबलिंग और रेसिप्रोकल लेबलिंग। अब रेसिप्रोकल वर्ड तो आपसे फेमिलियर हो गया है, आप ऑलमोस्ट दो दो या तीन बार आप पढ़ चुके हो, ठीक है। चैनिंग जब लीनियर मेजरमेंट किया था वहां पे आपने पढ़ा था, जल्दी से कमेंट करके आप बताना कि रेसिप्रोकल वर्ड आपने कहां पे यूज किया था। क्लियर? तो हमारी जो डायरेक्ट लेबलिंग होती है कितने टाइप्स की होती है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी सिंपल लेबलिंग की बात करूं कि व्हाट इज सिंपल लेबलिंग, सिंपल लेबलिंग हमारी क्या कहलाती है, ठीक है। तो सिंपल लेबलिंग हमारी क्या कहलाती है, देखो यहाँ पे, इट इज सिंपल एंड बेसिक ऑफ लेबलिंग इन विच द लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड बिटवीन द पॉइंट्स विच एलिवेशन इज टू बी फाइंड। क्लियर? जिन पॉइंट्स का एलिवेशन हमें फाइंड आउट करना है उन पॉइंट्स के बीच में हम अपने लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या कर देते हैं, सेटअप कर देते हैं। क्लियर? ये आपकी बहुत ही सिंपल लेबलिंग होती है। क्या होती है? बहुत ही सिंपल आपकी लेबलिंग होती है। जिन पॉइंट्स के बीच में आपको एलिवेशन फाइंड आउट करना है, जिन पॉइंट्स का, उनके बीच में आप अपने लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो या सेट कर देते हो। लेबलिंग रॉड आर प्लेस्ड एट दैट पॉइंट एंड साइटेड देम थ्रू लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट। हम लेबलिंग रॉड जो हमारी होती है, क्लियर, ये आप देख रहे हो, ये आपका लेबलिंग रॉड यहाँ पर हो गई। क्लियर? अब ये जो लेबलिंग रॉड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जनरली आपका होता क्या है, इसी को आप स्टाफ बोलते हो। क्या बोलते हो? स्टाफ आप बोलते हो। ग्रेजुएटेड स्टाफ होता है जिसके ऊपर मार्किंग होती है, ठीक है। ये भी आपका ग्रेजुएटेड स्टाफ ही है, ये आपके दूसरे पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, ये भी आपका क्या है, स्टाफ ही है। क्लियर? जो यहाँ पे वर्ड इन्होंने यूज किया है कि भाई जो आपका लेबलिंग रॉड होती है, क्लियर, तो वो स्टाफ ही आपका हो गया है। क्लियर? इट इज परफॉर्म्ड ओनली व्हेन द पॉइंट आर नियरर टू ईच अदर विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। क्लियर? हम सिंपल लेबलिंग को तभी परफॉर्म करते हैं जब जब क्या हो, जब क्या हो, जो पॉइंट हमारे हो एक दूसरे से पास में हो और उनके बीच में किसी भी प्रकार का ऑब्स्टिकल्स ना हो, तब हम सिंपल लेबलिंग यहां पर लेते हैं। देखो, सिंपली इन दो पॉइंट के बीच में आपने इंस्ट्रूमेंट को रखा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट आपकी। इंस्ट्रूमेंट से आप देख रहे हो ग्रेजुएटेड स्टाफ आपका रखा हुआ है, इससे आपने रीडिंग को ले लिया है, ठीक है। आया आपको समझ में सिंपल लेबलिंग? सिंपल लेबलिंग आपका क्या हो गया है, सिंपल तरीके से आप कर रहे हो, दो पॉइंट के बीच में आपने लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया और उन दोनों पॉइंट के एलिवेशन को आपने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल लेबलिंग, और डिफरेंशियल लेबलिंग में आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे वो दो पॉइंट हैं, क्लियर, वो क्या है, एक डिफरेंस क्रिएट यहाँ पे कर रहे होंगे। क्लियर? डिफरेंस क्रिएट कर रहे होंगे, मतलब एक पॉइंट अगर नीचे है तो एक पॉइंट आपका ऊपर है। क्लियर? तभी आप क्या बोलोगे, डिफरेंशियल लेबलिंग हो गई है। तो देखो, डिफरेंशियल लेबलिंग इज परफॉर्म व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज मोर, इन्हीं दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, डिफरेंशियल लेबलिंग को एडॉप्ट करोगे। क्लियर? इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, देखो, इन दिस प्रोसेस नंबर ऑफ इंटर स्टेशन आर लोकेटेड। हम इस प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ इंटर स्टेशन को हम लोकेट करते हैं और इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं एंड ऑब्जर्व द एलिवेशन ऑफ इंटर स्टेशन पॉइंट। क्लियर? और फाइनली हम क्या करते हैं, हम दो ओरिजिनल पॉइंट जो हमारे होते हैं उसके बीच के डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, फाइनली जो हमारा डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस को हम फाइंड आउट कर लेंगे उन दोनों पॉइंट्स के बीच का। क्लियर? अब जो यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने बोला है कि आप क्या करोगे, इस प्रोसेस के अंदर आप नंबर ऑफ इंटर स्टेशन को लोकेट करोगे। क्लियर? नंबर ऑफ इंटर स्टेशन को लोकेट करोगे, इंस्ट्रूमेंट को आप क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट को आप शिफ्ट करते जाओगे। क्लियर? स्टेशन पे, हर स्टेशन पर। क्लियर? और एलिवेशन को आप फाइंड आउट करते जाओगे और इंटर स्टेशन पॉइंट्स के बेसिस पर। क्लियर? जैसे अगर मैं बोलूं ये आपका पॉइंट नंबर वन है,
ये आपका पॉइंट नंबर टू है, ये आपका पॉइंट नंबर थ्री है, ये आपका पॉइंट नंबर फोर है, ये आपका पॉइंट नंबर, ये आपका पॉइंट नंबर फाइव है। क्लियर, ये पांच पॉइंट आपने देखे। पहले आपने दो पॉइंट के बीच में इंस्ट्रूमेंट को रखा, आपने यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया, फिर आपने इन दोनों के बीच में रखा, फिर आपने मेजरमेंट ले लिया, फिर आपने यहाँ पे रखा इन दोनों के बीच में, फिर मेजरमेंट ले लिया, फिर आपने यहाँ पे रखा इन दोनों के बीच में, आपने मेजरमेंट ले लिया। मतलब इन दो पॉइंट के बीच की जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तब हम डिफरेंशियल लेवलिंग को एडॉप्ट करते हैं। क्लियर, और इसके अंदर हम इंटर स्टेशन को लोकेट करते हैं। क्लियर, और उन इंटर स्टेशन पर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं और एलिवेशन को फाइंड आउट करते हैं। फाइनली उन दोनों पॉइंट के बीच के हम डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर, तो ये हमारी क्या कहलाती है, डिफरेंशियल लेवलिंग कहलाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है फ्लाई लेवलिंग। क्लियर, नेक्स्ट आपका क्या आता है, फ्लाई लेवलिंग। अब फ्लाई से आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर, फ्लाई से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या करना, आपके जो पॉइंट्स हैं उनको फ्लाई करते हुए जाना। कैसे फ्लाई करते जाना, देखो जनरली मैंने आपको एक डेटम बताया था कि जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम मेजरमेंट करते हैं, एलिवेशन को लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा बेंचमार्क कहलाता है। क्लियर, तो बेंचमार्क को हम क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। क्लियर, एक हमारा परमानेंट बेंचमार्क होगा, लेकिन हमें काम करना है आगे, हम बार बार उस परमानेंट पॉइंट तक तो जाएंगे नहीं, परमानेंट पॉइंट तक नहीं जाएंगे तो हम टेम्पररी अपने पॉइंट्स को क्रिएट करेंगे। क्लियर, उसको टेम्पररी बेंचमार्क बोला जाता है। तो हम टेम्पररी पॉइंट को यहाँ पे क्या करते हैं, बनाते जाते हैं। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस लोकेशन पे खड़ा हूँ, ठीक है, और परमानेंट पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस परमानेंट पॉइंट का जो डेटम की वैल्यू होगी उसको फ्लाई करते हुए इसके पास में ले जाऊंगा, फिर आगे मैं जाके क्या करूंगा, सर्वे करते जाऊंगा। क्लियर, क्लियर, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, फ्लाई लेवलिंग इज कंडक्टेड व्हेन द बेंचमार्क इज वेरी फार फ्रॉम द वर्क स्टेशन। यही मैंने आपको बताया कि जो हमारा बेंचमार्क है वह हमारी वर्क स्टेशन से बहुत ज्यादा दूर है, तो हम यहाँ पर फ्लाई लेवलिंग को लेते हैं। क्लियर, हम फ्लाई लेवलिंग करेंगे। फिर क्या है, इन सच केस अ टेम्पररी बेंचमार्क इज लोकेटेड एट द वर्क स्टेशन। क्लियर, हम वर्क स्टेशन पर टेम्पररी बेंचमार्क को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि टेम्पररी बेंचमार्क आपको लेना पड़ेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, विच इज लोकेटेड बेस्ड ऑन द ओरिजिनल बेंचमार्क। क्लियर, और ये आपने किसके बेसिस पे लिया है भाई, ओरिजिनल बेंचमार्क के बेसिस पर लिया हुआ है। क्लियर, तो यही तो आपने क्या किया, वर्क स्टेशन के पास में लाने के लिए जो आपका ओरिजिनल बेंचमार्क था उसकी वैल्यू को आपने फ्लाई किया, उसकी वैल्यू को क्या किया, उसकी वैल्यू को आपने फ्लाई किया और नियरर टू वर्क स्टेशन आप उसको लेके आए। क्लियर, इवन इट इज नॉट हाईली प्रिसाइज, इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग अप्रोक्सीमेट लेवल। क्लियर, ये जो फ्लाई लेवलिंग होती है ये बहुत ज्यादा हाईली प्रिसाइज मेथड नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट लेवलिंग के लिए आप इसको प्रेफर करते हो। इसके लिए प्रेफर करते हो, अप्रोक्सीमेट लेवलिंग के लिए आप इसको प्रेफर करते हो। तो ये भी आप याद रखना कि भाई ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज मेथड आपकी नहीं होती है, यानी होती है बहुत ज्यादा प्रिसाइज मेथड आपकी नहीं होती। अब आप देखो ये आपने यहाँ पे फ्लाई करके टीपी वन, टीपी टू, टीपी थ्री, टीपी फोर, टीपी फाइव, क्लियर, इस टाइप से आपने क्या किया, ये बेंचमार्क सेट किए हुए हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका होता है प्रोफाइल लेबलिंग। ठीक है, अब प्रोफाइल लेबलिंग के अंदर क्या होता है, जनरली ये जो प्रोफाइल लेबलिंग होती है ना, ये आपका जो रोड वगैरह होता है उसकी प्रोफाइल बनाने के लिए आप यूज करते हो। ठीक है, देखो प्रोफाइल लेबलिंग इज जनरली एडॉप्टेड टू फाइंड एलिवेशन ऑफ पॉइंट अलोंग अ लाइन सच एज फॉर रोड, रेल्स और रिवर्स। क्लियर, जो रोड हो गया, जो रेल्स आपकी हो गई है, क्लियर, रिवर आपकी हो गई है, क्लियर, उसके अलोंग आप एलिवेशन पॉइंट को क्या कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो। क्लियर, मतलब आप जैसे बोलते हो ना कटिंग फिलिंग, एक पर्टिकुलर लाइन आपकी आगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो ये आपकी एक पर्टिकुलर लाइन जा रही है, इस लाइन के अलोंग आप एलिवेशन पॉइंट निकालते जा रहे हो, कहाँ पे कटिंग आ रही है, कहाँ पे फिलिंग आ रही है। क्लियर, ये आपको कहाँ पता चलता है, प्रोफाइल लेवलिंग के अंदर पता चलता है। क्लियर, In this case, reading of intermediate station are taken and reduced level of each station is find out. Clear? जो हमारी intermediate stations होती हैं, उनकी हम यहाँ पे readings लेते हैं। Clear? और readings लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उनका
रिड्यूस लेवल आपको फाइंड आउट करना है। अभी आगे बताऊंगा मैं कि आप रिड्यूस लेवल कैसे फाइंड आउट करते हो। क्लियर? फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ द अलाइनमेंट एज ड्रॉइंग। क्लियर? और हम क्रॉस सेक्शन ऑफ अलाइनमेंट को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। इस टाइप से आपकी ये प्रोफाइल लेवलिंग होती है। क्लियर? इसी से आपको पता चलता है कि भाई कटिंग कितनी आ रही है, फिलिंग कितनी आ रही है, तो वो आपकी प्रोफाइल लेबलिंग होती है। और ये भी आपको पता है कि प्रोफाइल लेबलिंग आप किन केसेस में, जैसे कि रोड हो गया आपका, रेल हो गया आपका, रिवर हो गया आपका, ठीक है, तब आप एक प्रोफाइल लेबलिंग को एडॉप्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है रेसिप्रोकल लेबलिंग। क्लियर? रेसिप्रोकल लेबलिंग आपको पता है कि बीच में अगर ऑब्स्टिकल्स वगैरह आ जाता है तब आप रेसिप्रोकल लेबलिंग को लेते हो। ठीक है, देखो, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू लोकेट द लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट इन बिटवीन द इंटरविजुअल पॉइंट। क्लियर? तो इंटरविजुअल जो पॉइंट आपके होते हैं उनके बीच में पॉसिबल नहीं है कि आप इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर पाओ। क्लियर? उस जगह पे रेसिप्रोकल लेबलिंग को आप परफॉर्म करते हो, मतलब ये बीचों बीच से आपकी नदी निकल गई है और एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट आपका इधर है। क्लियर? तो इस सिचुएशन में आप रेसिप्रोकल लेबलिंग को लेते हो। क्लियर? किसको लेते हो? रेसिप्रोकल लेबलिंग को आप लेते हो। ठीक है, दिस केस अपीयर इन केस ऑफ पॉन्ड्स और रिवर्स ईटीसी। इन केस ऑफ रेसिप्रोकल लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट इज सेट नियरर टू फर्स्ट स्टेशन टू साइटेड टूवर्ड सेकेंड स्टेशन। इस केस में हम इंस्ट्रूमेंट को फर्स्ट पॉइंट के पास में सेट करते हैं और हम दूसरे पॉइंट को फाइंड आउट यहां पर करते हैं, मतलब उसको हम साइटेड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। तो रेसिप्रोकल लेबलिंग आप किस केस में, बस आपको ये याद रखना है कि ये जो लेबलिंग आप एडॉप्ट कर रहे हो या इस मेथड को ले रहे हो लेबलिंग की, तो आप किस लिए ले रहे हो, किस पर्पज के लिए ले रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये तो डायरेक्ट लेबलिंग अपनी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमारी थी टेक्नोमेट्रिक लेबलिंग। क्लियर? डायरेक्ट लेबलिंग के अपन ने पूरे टाइप पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हमारी है टेक्नोमेट्रिक लेबलिंग। और टेक्नोमेट्रिक लेबलिंग क्या होती है, देखो, द प्रोसेस ऑफ लेबलिंग इन विच द एलिवेशन ऑफ पॉइंट और द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड horizontal distance and vertical angle in the field is called trigonometric labeling. Clear? मतलब आप देखो, ये horizontal distance भी आपका हो गया, ये आपका slope distance भी हो गया, और साथ ही साथ में आपका ये angle हो गया। Clear? इतनी सारी चीजें आप यहाँ पे observe कर रहे हो तो ये आपकी trigonometric labeling कहलाती है। Clear? यही इन्होंने बोला है। देखो क्या, फिर से देखो, the process of labeling in which the elevation of point, clear? क्या बोला इन्होंने, एलिवेशन ऑफ पॉइंट और द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट इज मेजर्ड। क्लियर? ये आपको मेजर करना कहां से, फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। किसकी हेल्प से? ऑब्जर्व्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल एंगल। क्लियर? उसको आप क्या बोलोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग बोलोगे। क्या बोलोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग बोलोगे। क्लियर? In this method, trigonometric relation are used to find the elevation of a point from angle and horizontal distance. Clear? हम जो यहाँ पे trigonometric relation का use करके हम क्या करते हैं, elevation of point from the angle और horizontal distance को आप determine यहाँ पे करोगे, find out करोगे, so it is called the trigonometric labeling. Clear? और इसी को आप बोलते हो indirect labeling. Clear? इसी को ही आप क्या बोलते हो, इनडायरेक्ट लेबलिंग भी बोलते हो। तो ये याद रखना कि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आप यूज करते हो। क्लियर? क्या करते हो? ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आप यूज करते हो। ठीक है, क्या करते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का यूज करते हो एलिवेशन ऑफ पॉइंट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट आपकी आती है बैरोमेट्रिक लेबलिंग। बैरोमेट्रिक आपको पता होगा, बैरोमीटर आपका होता है, किस लिए यूज होता है बैरोमीटर, बताना जरा। बैरोमीटर आप यूज करते हो, किस लिए बैरोमीटर का यूज करते हो, बैरोमीटर का यूज किस लिए करते हो? तो देखो, आपको पता है एटमोस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए आप बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो। तो देखो, बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमोस्फेयर एट एनी एल्टीट्यूड। किसी भी एल्टीट्यूड को, एल्टीट्यूड पर आपको एटमोस्फेयर
या एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो आप बैरोमीटर का यूज करते हो। सो इन दिस मेथड ऑफ लेबलिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर एट टू डिफरेंट पॉइंट इज ऑब्जर्व हम इन्हीं दो पॉइंट के बीच में, मतलब दो जो डिफरेंट पॉइंट है उनके बीच में एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर लेंगे, क्लियर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन विच द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट आर डिटरमाइंड, और हम उन दो पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेंगे या वर्टिकल हाइट को फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना आ रहा है, क्लियर। किसके बेसिस पर, ये जो एटमोस्फेरिक प्रेशर हमने उन दोनों पॉइंट के बीच में मेजर किया हुआ है, इट इज अ रफ एस्टिमेशन एंड यूज्ड रियली, क्लियर। ये आपका रफ एस्टिमेशन होता है, क्लियर, बहुत ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं होता है, रफ एस्टिमेशन होता है, और इस चीज को आप बहुत ज्यादा रियली यूज करते हो, क्लियर। समझ में आया आपको, क्या करते हो, बहुत ही ज्यादा रियली आप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। क्योंकि अगर बैरोमेट्रिक लेबलिंग आपको करना है तो स्किल्ड पर्सन आपको चाहिए, तभी हो पाएगा, क्लियर। तो ये हमारी क्या कहलाती है, बैरोमेट्रिक लेबलिंग कहलाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन आते हैं, तो नेक्स्ट हमारी मेथड होती है स्टेडिया लेबलिंग। कौन सी होती है, स्टेडिया लेबलिंग। अब स्टेडिया लेबलिंग आप देखो यहाँ पे, ये आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है। अब स्टेडिया क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग आपकी होती है ना, उसका मॉडिफाइड वर्जन आपका ये है, क्लियर। इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग, क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग का ये मॉडिफाइड वर्जन आपका है, इन विच टैकोमीटर यूज, क्लियर। इसके अंदर क्या होता है, टैकोमीटर यूज होता है। टैकोमेट्रिक सर्वे अपने को इसके बाद पढ़ना है, तो वहां मैं बताऊंगा आपको कि टैकोमीटर होता क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अंदर टैकोमीटर प्रिंसिपल आप यूज करते हो, टैकोमीटर को यूज करते हो, ठीक है। प्रिंसिपल इज क्या होता है, यूज्ड टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ पॉइंट, हम टैकोमीटर प्रिंसिपल को यहां पर यूज करते हैं, क्लियर। इन दिस केस द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड, जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है, देखो अभी तक हमारी लाइन ऑफ साइट कैसी थी, सीधी जा रही थी, हॉरिजॉन्टल ऑफ लाइन ऑफ साइट सीधा जा रहा था। यहाँ पे जो लाइन ऑफ साइट हमारी होगी वो कैसी हो जाएगी, इंक्लाइंड हो जाएगी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, क्लियर। हॉरिजॉन्टल से हमारा जो लाइन ऑफ साइट होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, वो हमारा इंक्लाइंड हो जाएगा, क्लियर। कैसा हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा, क्लियर। इट इज मोर एक्यूरेट एंड सुटेबल फॉर सर्वेइंग इन हिली टेरेन, क्लियर। जब हम हिली टेरेन की बात करते हैं तो हिली टेरेन में अगर आपको लेबलिंग करना है तब आप इस स्टेडिया लेबलिंग का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, स्टेडिया लेबलिंग का आप यूज करते हो, क्लियर। ये टैकोमीटर प्रिंसिपल जो है ना, ये अपने को सेपरेटली पढ़ना है, तो ये सेपरेट में आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि टैकोमीटर जो आपका होता है प्रिंसिपल वो क्या होता है, कैसे काम करता है, तो ये अपन डिटेल में समझेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको, क्लियर, यहां तक क्लियर है, ये बताओ सबसे पहले तो, यहाँ पे अपन ने टाइप्स ऑफ लेबलिंग को कंप्लीट कर लिया है, क्लियर, कि लेबलिंग जो हमारी होती है कितने टाइप की होती है, थम्स अप करें जल्दी से, चलो नेक्स्ट अपन यहां पे देखते हैं कि जो हमारा क्या होता है लेबलिंग हम जो कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबलिंग क्या होते हैं, क्लियर। लेबलिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जनरली ये तो आपको पता भी है कि लेबलिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहला, एलिवेशन आपको किसी भी गिवन पॉइंट का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन या फिर अज्यूम्ड रेफरेंस लाइन या फिर डेटम, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने फिर से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ऑलरेडी अपन ने जब डेफिनेशन पढ़ी थी व्हाट इज लेबलिंग, उसमें हमने डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। और दूसरा हमारा जो होता है वो क्या होता है, टू एस्टेब्लिश द पॉइंट एट अ प्रोवाइड एलिवेशन, क्लियर। अगर आपको ऑलरेडी एलिवेशन दिया गया है और उस एलिवेशन पे आपको किसी पॉइंट को क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है, तब भी हम लेबलिंग का ही यूज करते हैं, क्लियर। तो ये दो चीजें होती हैं, या तो
किसी पॉइंट का एलिवेशन अपने को फाइंड आउट करना है किसी डेटम के रिस्पेक्ट में, या फिर आपको मैंने बोल दिया है कि भाई एलिवेशन दे दिया है आपको, क्लियर, एलिवेशन आपको दे दिया है, ठीक है, और आपको पॉइंट को एस्टेब्लिश करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ लेबलिंग इन सर्वेइंग, क्लियर। सर्वेइंग के अंदर लेबलिंग की क्या क्या एप्लीकेशन है, सबसे पहला देखो आप, लेबलिंग इज नेसेसरी फॉर द एस्टिमेशन एंड प्लानिंग ऑफ वेरियस सिविल इंजीनियरिंग वर्क सच एज रोड, ब्रिज, कैनाल, ईटीसी। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द रूट और अलाइनमेंट सर्वे ऑफ रोड, ब्रिज एंड ईटीसी। सबसे पहला इन्होंने बोला है कि लेबलिंग की एप्लीकेशन ये है कि लेबलिंग आपकी नेसेसरी यहाँ पे हो जाती है जब हम किसी भी किसकी वेरियस सिविल इंजीनियरिंग वर्क की बात करते हैं कि भाई मुझे एस्टिमेशन करना है, प्लानिंग करना है, तो मुझे लेबलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाती है, जैसे कि रोड हो गया, ब्रिज हो गया, कैनाल हो गया, साथ ही साथ उसके अलाइनमेंट को डिसाइड करने के लिए भी मुझे लेबलिंग की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कट एंड फिल एज वेल एज बैलेंसिंग द अर्थवर्क, क्लियर। कटिंग और फिलिंग की क्वांटिटी को निकालने के लिए भी आपका एप्लीकेशन होता है, मतलब लेबलिंग आपको जरूरी होती है, क्लियर। लेबलिंग आपकी क्या होती है, लेबलिंग आपकी जरूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेबलिंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पाइपलाइन सर्वे एज इट इज यूज टू इंश्योर अ सुटेबल स्लोप ऑफ द लैंड दैट विल अलाउ अ स्मूथ फ्लो ऑफ द लिक्विड इनसाइड द पाइप। जैसे जब हम पाइपलाइन की बात करते हैं, हम कोई पाइपलाइन डाल रहे हैं, अब पाइपलाइन आप जनरली या तो वाटर सप्लाई स्कीम में डालते हो या फिर सीवरेज सिस्टम में आप डालते हो, क्लियर। तो यहाँ पे जो पाइपलाइन आप डाल रहे हो तो पाइपलाइन में प्रॉपर सुटेबल स्लोप रहे, जिससे उसके अंदर जो आपका फ्लो हो रहा होगा वो स्मूथ फ्लो आपका होता रहे, तो इसके लिए भी आपको लेबलिंग की जरूरत पड़ती है, क्लियर। अगर मुझे कंटूर मैप्स बनाना है तो भी मुझे लेबलिंग की जरूरत पड़ेगी, क्लियर। नेक्स्ट है, इट इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टोपोग्राफिक मैप। अगर मुझे टोपोग्राफिक मैप बनाना है तो आपको लेबलिंग यहाँ पे जरूरी है, आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर, क्लियर है यहां तक, चल आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारा आता है कि हम जब लेबलिंग करते हैं तो कौन कौन सी इंपोर्टेंट टर्म्स यहां पर यूज होती हैं लेबलिंग के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। सबसे पहली जो टर्म आपकी होती है वो होती है आपकी लेवल सरफेस, क्लियर। क्या होती है, लेवल सरफेस। अब लेवल सरफेस आपकी क्या होती है, देखो, दिस इज अ सरफेस विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट एज इंडिकेटेड बाय द प्लंब लाइन, क्लियर। लेवल सरफेस आपकी इंडिकेटेड होती है प्लंब लाइन के द्वारा, और ये हमेशा नॉर्मल होगी कैसे, टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट। हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के आपको कैसी मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी, और इसको इंडिकेट किया जाता है इसकी हेल्प से, प्लंब लाइन की हेल्प से, इसकी हेल्प से, प्लंब लाइन की हेल्प से, इसकी हेल्प से, प्लंब लाइन की हेल्प से, ठीक है। द सरफेस ऑफ अ स्टिल लेक, स्टिल लेक मतलब कि आपने रुकी हुई, पानी रुका हुआ देखा है झील के अंदर, क्लियर, पानी रुका हुआ देखा है आपने झील के अंदर, तो वो आप एज अ एग्जांपल ले सकते हो कि रुका हुआ पानी वाली जो झील होती है वह एक लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, वो क्या करती है, एक लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, क्लियर, इसको लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, एज द अर्थ इज एन ऑब्लिक स्फेराइड, क्लियर। आपकी जो अर्थ होती है वो कैसा बोला इन्होंने, एज द अर्थ इज ऑब्लिक स्फेराइड अ लेवल सरफेस विल नॉट बी प्लेन, हमारी जो लेवल सरफेस होगी वो प्लेन नहीं होगी, बट विल बी अ कर्व्ड वन, क्लियर, वो कैसी होगी, कर्व्ड हल्की सी होगी, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन अ लेवल सरफेस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्लियर। लेवल सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो
अर्थ के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ये पॉइंट याद रखना, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है कि भाई कितनी डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, तो लेवल सरफेस आपको समझ में आया। लेवल सरफेस क्या बोला है कि लेवल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के हमेशा आपकी नॉर्मल होगी हर एक पॉइंट पर। क्लियर, और इसको इंडिकेट करोगे आप प्लंब लाइन के द्वारा। क्लियर, सेंटर ऑफ अर्थ से लेवल सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट आपके होंगे वो इक्यू डिस्टेंस पर होंगे। कैसे होंगे? इक्यू डिस्टेंस पर आपके सारे पॉइंट होंगे। क्लियर, आपको पता है एक्चुअल में हमारा जो अर्थ है वो ऑब्लिक स्प्रॉइड होता है, तो लेवल सरफेस हमारी प्लेन नहीं होगी, वो हल्की सी कर्व्ड होगी। क्लियर, एज अ स्टिल लेक जो आपकी होती है उसको आप एज अ एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो कि वह आपकी लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, देख रहे हो ना, तो ये आपकी जो लाइन जा रही है, देखो ये लाइन जो जा रही है, ठीक है, सॉरी, ये जो लाइन आपकी जा रही है देखो लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये आपकी लेवल सरफेस हो गई है। ठीक है, इसके ऊपर जो ये टेंजेंट लाइन जा रही है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है। यहां से जो एंगल बना हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में, दैट इज द वर्टिकल लाइन, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलली जो चल रही है वो आपकी लेवल लाइन कहलाती है। क्लियर, क्या कहलाती है? लेवल लाइन आपकी कहलाती है। ठीक है, ये आपका वर्टिकल डेटम होता है, ये आपकी वर्टिकल लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो आगे की डेफिनेशन देखते हैं। यही डेफिनेशन अपने को देखना है कि अब लेवल लाइन आपकी क्या कहलाती है। आप देखो यहाँ पे लेवल लाइन आप देख रहे हो, ये आपकी लाइन जा रही है, ये आपकी लेवल लाइन है। अब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? देखो, अ लाइन लेइंग थ्रू आउट ऑन अ लेवल सरफेस इज अ लेवल लाइन। क्लियर, जो लाइन आपकी है वो थ्रू आउट द लेवल सरफेस जो आपकी जा रही है वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी लेवल लाइन कहलाती है। वो आपकी कौन सी लाइन कहलाती है? वह आपकी लेवल लाइन कहलाती है। क्लियर, क्या कहलाती है? लेवल लाइन कहलाती है। दिस इज नॉर्मल टू द प्लंब लाइन एट ऑल पॉइंट। ये जो लाइन आपकी होती है यह क्या होती है? नॉर्मल टू प्लंब लाइन होती है सारे पॉइंट पर। क्लियर, क्या होती है? नॉर्मल टू प्लंब लाइन होती है ऑल पॉइंट्स पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका क्या कहलाता है? देखो, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका होता है, अ हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रो अ पॉइंट इज अ प्लेन टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस। क्लियर, ये देखो आप हॉरिजॉन्टल प्लेन, देखो ये लेवल सरफेस पे आपका ये टेंजेंशियल हो रहा है। क्लियर, तो इसी को आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन बोला है। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है, यही इन्होंने बताया है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन आप देखो यहाँ पे क्या बोला कि दिस इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। ये उस पॉइंट पे क्या होता है? नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है आपकी? हॉरिजॉन्टल लाइन भी अभी आपने देखी, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? देखो, एनी लाइन लेइंग थ्रू आउट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर, कोई भी लाइन अगर आपने बनाई हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिकल प्लेन की बात करें कि वर्टिकल प्लेन आपका क्या कहलाता है? देखो, वर्टिकल प्लेन क्या कहलाएगा? वर्टिकल प्लेन क्या होगा? अ वर्टिकल प्लेन इज एनी प्लेन कंटेनिंग अ वर्टिकल लाइन। क्लियर, मतलब किसी भी प्रकार की अगर वर्टिकल लाइन को वो कंटेन कर रहा है तो वो आपका वर्टिकल प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्टिकल प्लेन कहलाएगा। अ वर्टिकल लाइन एट एनी पॉइंट इज अ लाइन नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट। क्लियर, किसी भी पॉइंट से अगर वर्टिकल लाइन की मैं बात करूं तो उस पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन आपकी होगी वो नॉर्मल टू क्या होगी? लेवल सरफेस होगी। क्लियर, आप यहां पे देखो ये जा रही है आपकी वर्टिकल लाइन, ये कैसी होगी? नॉर्मल टू द लेवल सरफेस आपकी होगी। ठीक है, क्या होगी? नॉर्मल टू द लेवल सरफेस आपकी होगी। फॉर एग्जाम्पल, प्लम्ब लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल लाइन। क्लियर, जो प्लम्ब आपका होता है हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होती है, क्लियर, कैसी होती है? टुवर्ड्स द ग्रेविटी आपको देखने को मिलती है, तो वो आपका वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है।
क्या करता है, वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका डेटम सरफेस आती है। क्लियर, नेक्स्ट आपकी क्या आती है, नेक्स्ट आपकी डेटम सरफेस आती है। डेटम सरफेस आपका क्या होता है, देखो दिस इज एन आर्बिट्री सरफेस विथ रेफरेंस टू विच द एलिवेशन ऑफ पॉइंट आर मेजर्ड एंड कंपेयर्ड। क्लियर, यह डेटम सरफेस आपकी एक आर्बिट्री सरफेस होती है। क्लियर, जिसको एज अ रेफरेंस मान के आप किसी भी पॉइंट के एलिवेशन को मेजर करते हो या फिर कंपेयर करते हो, वो आपका डेटम सरफेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एलिवेशन ऑफ पॉइंट। एलिवेशन ऑफ पॉइंट आपको पता है हाइट होगी उसकी। क्लियर, एलिवेशन ऑफ पॉइंट आपका क्या हो गया, हाइट हो गया। देखो एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट इज द वर्टिकल डिस्टेंस अबव और बिलो द डेटम। क्लियर, डेटम के नीचे या फिर ऊपर जो आपके पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस है वो उसका एलिवेशन ऑफ पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एलिवेशन ऑफ पॉइंट कहलाता है। इसी को यूजुअली आप रिड्यूस लेवल बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप रिड्यूस लेवल बोलते हो। ये चीज याद रखना है कि जो एलिवेशन ऑफ पॉइंट आपका होता है ना, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप एज अ रिड्यूस लेवल बोलते हो। वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका रिड्यूस लेवल कहलाता है। क्लियर, क्या कहलाता है, रिड्यूस लेवल कहलाता है। आप देखो दिस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग एज द पॉइंट इज अबव और बिलो द डेटम। क्लियर, डिपेंड करता है कि जो एलिवेशन ऑफ पॉइंट आपका है वो आपको पॉजिटिव मिला है या नेगेटिव मिला है, वो किसके बेसिस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये डेटम है, ऊपर आ रहा कि नीचे आ रहा, ऊपर आ रहा पॉजिटिव, नीचे जा रहा नेगेटिव। क्लियर, इस टाइप से आप उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को डिसाइड करोगे कि वो भाई ऊपर है या नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोलाइमेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, जैसे आप जब टेलीस्कोप में देखते हो तो आपके आई लेवल की एक रेज आई और एक आपका ये जो टेलीस्कोप है उसकी रेज आई। क्लियर, तो वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो द लाइन ऑफ कोलाइमेशन और द लाइन ऑफ साइट एक ही कहलाते हैं। इज द लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर टू द ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, यही मैंने आपको बताया। क्लियर, ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड इट्स कंटिन्यूएशन, मतलब सीधा आपका जाता है। ठीक है, एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप आपको पता है, जो आईपीस आपका होता है और जिस जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उनके सेंटर्स को जो लाइन आपकी कनेक्ट करती है वो एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। ठीक है, तो देखो द एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप इज द लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास टू द सेंटर ऑफ द आईपीस। यही मैंने आपको बताया कि आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव है, इन दोनों के सेंटर को कनेक्ट करने वाली लाइन एक्सेस ऑफ क्या कहलाती है, एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप आपकी कहलाती है। ठीक है, ठीक है, एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब। एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब मतलब कि जो आप लेवलिंग करने के लिए आप बबल ट्यूब का यूज करते हो। ठीक है, तो देखो क्या कहलाती है, द एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब और लेवल ट्यूब इज द लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ बबल ट्यूब एट इट्स मिडिल पॉइंट। क्लियर, मतलब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका ये बबल ट्यूब होगा ना इस टाइप से, तो इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल तो यही हो गया इसका। क्लियर, तो देखो लेवल ट्यूब इज द लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व। ये लॉन्गिट्यूडिनल कर्व है, इस पे जो लाइन आपकी टेंजेंशियल होती है। क्लियर, ऐसे कर्व में ऐसी टेंजेंशियल लाइन आती है। क्लियर, टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ बबल ट्यूब एट मिडिल पॉइंट। क्लियर, टेंजेंशियल कहां से होगी, मिडिल पॉइंट से होगी। कहां से होगी, मिडिल पॉइंट से होगी, वो आपकी एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब कहलाती है। वो क्या कहलाती है, आपकी एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब आपकी कहलाती है। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल व्हेन द बबल इज सेंटर। ये जो लाइन आपकी होगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल होगी जब आपका बबल जो है वो आपका कैसा होगा, सेंटर में होगा। बबल आपका कैसा होगा, सेंटर में होगा। इसी को आप बबल लाइन भी बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बबल लाइन भी बोलते हो। ठीक है, यह आपका क्या कहलाता है, यह आपका बबल लाइन भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस आपका क्या कहलाता है, देखो वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो द वर्टिकल एक्सिस इज द लाइन अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल
प्लेन, क्लियर। टेलीस्कोप जो आपका होता है उस एक्सिस के अबाउट आपका रोटेट करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो आपकी वर्टिकल एक्सिस कहलाती है, क्लियर। अब इसके आगे की जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्लियर, क्योंकि ये आगे अभी आपको काम आएगी, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो बैक साइड आपका क्या कहलाता है, जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, जहां पे भी हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रूमेंट को मैंने सेट किया, और अब इस इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद जो मैंने पहली रीडिंग ली, जो मैंने पहली रीडिंग इससे ली, वो पहली रीडिंग आपकी बैक साइड कहलाती है। तो आप बैक साइड इज द फर्स्ट स्टॉप रीडिंग टेकिंग आफ्टर सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट, क्लियर, यही मैंने आपको बताया है, क्लियर। किसी भी पोजीशन पे आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया हुआ है और उसके द्वारा जो पहली रीडिंग आपने ली होगी वो रीडिंग आपकी बैक साइड कहलाती है, और यह रीडिंग हमेशा आपकी क्या होती है, उस पॉइंट पे आती है जिस पॉइंट का आपको एलिवेशन पता है, मतलब कि रिड्यूस लेवल पता है, क्लियर, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। दिस विल ऑलवेज बी रीडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, क्लियर, ये उस पॉइंट की रीडिंग होती है जिसका एलिवेशन या फिर रिड्यूस लेवल हमें पता है, क्लियर, जिसका रिड्यूस लेवल क्या है हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोरसाइट की, तो फोरसाइट आपका क्या होता है, देखो अब जो आपने इंस्ट्रूमेंट अभी सेट किया था इससे जो पहली रीडिंग आपने ली थी वो हमारी बैक साइड हो गई है, और इसी सेटिंग अप से जो इंस्ट्रूमेंट सेट है जिससे आपने पहली रीडिंग उठाई थी, इसी इंस्ट्रूमेंट सेटअप से जो आप लास्ट रीडिंग लोगे, सबसे लास्ट रीडिंग, और उसके बाद आप क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट को डिस्टर्ब करोगे, तो जो लास्ट रीडिंग आपकी आएगी इस सेटअप से वो आपकी फोरसाइट कहलाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी फोरसाइट कहलाती है। देखो आप फोरसाइट इज द लास्ट स्टॉप रीडिंग टेकिंग बिफोर मूविंग द इंस्ट्रूमेंट, क्लियर, इंस्ट्रूमेंट को मूव करने के पहले जो आपने यहां पे क्या किया है, आपने वैल्यू ली है, क्लियर, क्लियर। तो ये लास्ट रीडिंग आप जो लेते हो ना, जिस पॉइंट पे लेते हो उस पॉइंट के आप बोल सकते हो कि एलिवेशन आपको डिटरमाइन करना है, क्लियर, ये फोर साइड की रीडिंग उस पॉइंट पे आपकी आती है जिसकी आपको एलिवेशन अभी फाइंड आउट करना है, एलिवेशन आपको पता नहीं है, क्लियर, तो ये चीज याद रखना, क्लियर। दिस रीडिंग, ये जो फोरसाइट होती है, यह रीडिंग आपको बताती है कि इंस्ट्रूमेंट अब आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, शिफ्ट हो रहा है, क्लियर, मतलब कहीं पे फोरसाइट लिखा हुआ है ना, तो आप समझ जाना कि इसके बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है और आपने नई रीडिंग यहाँ पर ली हुई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका इंटरमीडिएट साइट कहलाती है, तो इंटरमीडिएट साइट क्या होती है, पहली रीडिंग और लास्ट रीडिंग के बीच में जितनी भी रीडिंग आपने ली हो वो आपकी इंटरमीडिएट साइट कहलाएगी, क्लियर, कहलाएगी ना। तो देखो एन इंटरमीडिएट साइट इज एनी स्टॉप रीडिंग टेकिंग ऑन द पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन आफ्टर द बैक साइड एंड बिफोर द फोर साइड, क्लियर, बैक साइड के बाद में और फोर साइड के पहले जितनी भी आपने रीडिंग ली है वो इंटरमीडिएट स्टेशन आपकी कहलाती है, इंटरमीडिएट साइट आपकी कहलाती है। चेंजिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पे आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया, तो एक याद रखना, आपको एक पॉइंट याद रखना कि जो चेंजिंग पॉइंट आपका होता है ना, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर फोर साइड और बैक साइड दोनों की रीडिंग आती है, मतलब चेंजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे फोर साइड और बैक साइड दोनों की आपको रीडिंग मिलेगी, तो आ चेंज पॉइंट इंडिकेट द शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला तो ये चीज आपको याद रखना है कि चेंज पॉइंट आपको क्या बताता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो यहाँ पे आपने शिफ्ट किया है, क्लियर। फिर क्या बोला मैंने, बोथ बैक साइड एंड फोर साइड आर टेकन ऑन अ चेंजिंग पॉइंट, चेंजिंग पॉइंट पर हम दोनों ही बैक साइड और फोर साइड दोनों की ही रीडिंग लेते हैं, ठीक है, दोनों की ही रीडिंग लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्लियर। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होता है, अब जैसे ट्राइपॉड के ऊपर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को फिक्स किया होगा तो उस इंस्ट्रूमेंट की कितनी हाइट है वो कैसे निकलेगी, क्लियर, वो आप कैसे निकालोगे, तो आप देखो आपने क्या किया होगा, जो डेटम है जिस पॉइंट पर आपने सबसे पहली रीडिंग ली होगी, बैक साइड ली होगी आपने, उसका आरएल आपको पता है, उस आरएल के अंदर अगर मैं उस बैक साइड की रीडिंग को जोड़ दूं, क्लियर,
उस आरएल के अंदर अगर मैं बैकसाइड की रीडिंग को जोड़ दूं तो मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। देखो द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द एलिवेशन ऑफ द प्लेन ऑफ कोलाइमेशन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज लेबल्ड एंड नॉट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ टेलीस्कोप अबव द ग्राउंड लेवल। क्लियर, ये हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ टेलीस्कोप अबव द ग्राउंड लेवल नहीं है। क्लियर, इंस्ट्रूमेंट आपका क्या हो गया है, लेवल हो गया है, और जो प्लेन ऑफ कोलाइमेशन आपका बन रहा है उसकी जो आप यहाँ पे निकाल रहे हो। क्लियर, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका कैसे निकल रहा है, आपका निकल रहा है आर एल ऑफ आर एल जो आपका है पॉइंट का प्लस बैक साइड, ये आपको देगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये आपको क्या देगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्लियर, जैसे आप यहाँ पे एक प्रोफाइल देख सकते हो बनी हुई है। ठीक है, ये आपका क्या है, बेंचमार्क है। क्लियर, ये आपका क्या है, बेंचमार्क है। ये आपने यहाँ पे क्या किया है, इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है। समझना है यहाँ पे, ये आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेट किया है। इस इंस्ट्रूमेंट से आपने, अच्छा ये जो बेंचमार्क है, इस बेंचमार्क पर आपका क्या होगा, आपको आरएल पता होगा। इस बेंचमार्क का क्या होगा, आरएल आपको पता होगा। ठीक है, इस बेंचमार्क का आरएल आपको पता है, आरएल नॉन। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट आपने सेट किया और यहां से फर्स्ट रीडिंग को उठाया। क्लियर, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट सेटअप आपका हो गया। ये आपकी क्या हो गई है, इस सेटअप से फर्स्ट रीडिंग आपकी हो, इस सेटअप से क्या हो गई है, फर्स्ट रीडिंग हो गई। देखो फर्स्ट रीडिंग आप लोगे नॉन आरएल जिस पॉइंट का होगा, ये बैक साइड आपकी कहलाएगी। क्लियर, अब मुझे अगर ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, क्लियर, ये क्या निकालना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मुझे निकालना है। तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका इस पॉइंट का जो आर एल है। क्लियर, आर एल ऑफ पॉइंट, आर एल ऑफ पॉइंट, ठीक है, प्लस बैक साइड इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, एच आई मिल जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रीडिंग हो गई है। अब जो ये सेटअप आपका है, इसी सेटअप से ये पॉइंट आपका है, क्लियर, ये आपका पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे आपको आरएल नहीं पता है। क्लियर, इस पॉइंट का क्या नहीं पता, आपको आरएल नहीं पता, ये आपका होगा अननोन पॉइंट, अननोन आरएल आपका यहाँ पे होगा। क्लियर, ये फोरसाइट है, मतलब कि इस सेटअप की ये क्या होगी, लास्ट रीडिंग होगी। इस सेटअप की क्या होगी, लास्ट रीडिंग होगी। क्लियर, तो अब अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर मुझे आरएल निकालना है, तो आरएल कैसे निकलेगा, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से आप फोर साइड को माइनस कर दो, इस पॉइंट का आरएल निकल आएगा। इस पॉइंट का क्या निकल आएगा, आरएल निकल आएगा। क्लियर, और यही वो फोर साइड है जो बताएगा कि यहां पर आपका चेंजिंग पॉइंट आया है। क्या आया है, चेंजिंग पॉइंट आया है। अब आगे जाके आप इंस्ट्रूमेंट को फिर से सेट करोगे, आरएल आपको पता चल गया है, आपने फिर से वहीं पे स्टाफ रखा दिया और रीडिंग ले ली, वो आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो रीडिंग आपकी आई है वो आपकी इंटरमीडिएट साइट हो गई है, वो आपकी क्या हो गई है, वो आपकी इंटरमीडिएट साइट यहाँ पर हो गई है। क्लियर, उनको आप क्या बोलोगे, उनको आप इंटरमीडिएट साइट यहाँ पर बोलोगे। ठीक है, चलो इतना आया आपको समझ में, इसमें कोई डाउट, क्लियर, क्योंकि आगे चल के अपने को यहाँ पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आता है स्टेशन पॉइंट। अब स्टेशन आपका पॉइंट क्या कहलाता है, स्टेशन पॉइंट आपका क्या कहलाता है, देखो अ स्टेशन पॉइंट इज अ पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइंड और अ पॉइंट विच इज टू बी एस्टेब्लिश्ड एट अ नॉन एलिवेशन। क्लियर, मतलब कि स्टेशन पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जिसका एलिवेशन हमें फाइंड आउट करना है या फिर जिसका हमें एलिवेशन पता है, क्लियर, वो हमारा स्टेशन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे बेंचमार्क की हमने बात की है कि व्हाट इज द बेंचमार्क, बेंचमार्क क्या कहलाता है।
जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका बेंचमार्क लिखा हुआ है, तो बेंचमार्क इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ नॉन एलिवेशन। क्लियर, बेंचमार्क आपका एक फिक्स पॉइंट होता है, क्लियर, मतलब जिसका एलिवेशन आपको पता है, रेफरेंस एलिवेशन आपको पता है, क्लियर। द रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिड्यूस लेवल ऑफ अदर पॉइंट। क्लियर, जो बेंचमार्क का हमें रिड्यूस लेवल पता है उसकी हेल्प से हम दूसरे पॉइंट्स का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, तो बेंचमार्क का जो हमें रिड्यूस लेवल पता है उसकी हेल्प से हम दूसरे पॉइंट्स का क्या कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट्स का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर, क्या कर रहे हैं, रिड्यूस लेवल फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर, अब जो आपका बेंचमार्क होता है इसको जनरली क्लासिफाइड किया गया है चार टाइप के। एक आपका होता है जीटीएस, क्लियर, पहला आपका क्या होता है, जीटीएस होता है। जीटीएस के बाद अगर मैं बात करूं तो परमानेंट बेंचमार्क आपका होता है। क्लियर, क्या होता है, परमानेंट बेंचमार्क आपका होता है। परमानेंट के बाद आर्बिट्री बेंचमार्क होता है, और इसके बाद आपका होता है टेम्पररी बेंचमार्क। जो आपने टीबीएम बोला था ना वही आपका ये टेम्पररी बेंचमार्क होता है। क्लियर, अब जो आपका जीटीएस आपका होता है वो आपका क्या होता है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। क्लियर, बेंचमार्क आपका होता है। अब इसको देखो आप, जीटीएस आपका क्या होता है, ये जो जीटीएस आपका होता है ये परमानेंट बेंचमार्क होता है। क्लियर, ये आपका क्या होता है, परमानेंट होता है। जैसे देखो, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल बेंचमार्क और शॉर्टली जीटीएस बेंचमार्क आर वेरी एक्यूरेट एंड दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय कंडक्टिंग हाई प्रिसाइज सर्वे। क्लियर, यह सबसे एक्यूरेट बेंचमार्क होता है, वेरी एक्यूरेट। क्लियर, सबसे एक्यूरेट बेंचमार्क होता है, हाई प्रिसाइज सर्वे के द्वारा इसको सेटअप किया जाता है। जीटीएस बेंचमार्क आर डिसाइडेड बाय टेकिंग मी सीन लेवल एज डेटम। क्लियर, ये जो जीटीएस बेंचमार्क आपका होता है इसको आपने कैसे डिसाइड यहां पर किया हुआ है, तो बाय डिसाइडिंग बाय टेकन मीन सी लेवल एज डेटम। क्लियर, डेटम से आपने मीन सी लेवल को लिया। अच्छा, मीन सी लेवल आपका क्या होता है भाई, समुद्र के अंदर जितनी टाइड्स आ रही हैं, हाइट उनकी क्या जा रही है, उनकी जो मीन हाइट आ रही होगी उसके बेसिस पे आप देते हो मीन सी लेवल। क्लियर, तो डेटम से मीन सी लेवल कितना आपने लिया है उसके बेसिस पर आप जीटीएस को यहाँ पे क्या करते हो, डिसाइड करते हो। दीज आर जनरली एस्टाब्लिश्ड बाई हायर सर्वेयर अथॉरिटी ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। क्लियर, हर एक कंट्री की जो पर्टिकुलर हायर सर्वे अथॉरिटी होती है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्लियर, आ कॉन्क्रीट पेडेस्ट्रल विथ ब्रॉन्ज प्लेट एट इट्स टॉप इज प्रोवाइड एट अ पॉइंट वेयर जीटीएस बेंचमार्क इज लोकेटेड। जहां पे भी आपका जीटीएस बेंचमार्क लोकेटेड होता है, कॉन्क्रीट पेडेस्ट्रल आप ब्रॉन्ज प्लेट के साथ जो आपकी टॉप पे होगी वो आप यहां पर मतलब उसके द्वारा आप क्या करोगे, लोकेट करोगे अपने जीटीएस को। क्लियर, द ब्रॉन्ज प्लेट कंसिस्ट द इंफॉर्मेशन। क्लियर, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होगी और वैल्यू ऑफ द बेंचमार्क ऑन इट्स टॉप। क्लियर, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होगी और साथ ही साथ वैल्यू भी आपकी क्या होगी, मार्क उस पर होगी। क्लियर, उसके ऊपर क्या होगी, वैल्यू भी आपकी मार्क होगी। डीज पेडेस्ट्रल आर जनरली प्रोटेक्टेड बाई मेसोनरी स्ट्रक्चर बिल्ड अराउंड इट। इस पेडेस्ट्रल को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके चारों तरफ आप एक ब्रिक की मेसोनरी बना देते हो, स्ट्रक्चर बना देते हो। हेयर इज सम ऑफ द लिस्ट ऑफ एजेंसी फॉर डिफरेंट कंट्री हु एस्टेब्लिश द जीटीएस बेंचमार्क इन देयर रिस्पेक्टेड कंट्री। क्लियर, तो कंट्री के बेसिस पे अगर हम देखें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको जो जीटीएस आपका है वो किसके द्वारा दिया गया, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। यूनाइटेड किंगडम में ऑर्डिनेंस सर्वे, यूनाइटेड स्टेट में देखो द नेशनल जियोडेटिक सर्वे, द यूनाइटेड स्टेट आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, द यूनाइटेड स्टेट फॉरेस्ट सर्वे, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे। जापान में जियोग्राफिकल सर्वे इंस्टीट्यूट ने जीटीएस को सेटअप किया है। कैनेडा में नेचुरल रिसोर्स कैनेडा ने किया है। न्यूजीलैंड में लैंड इंफॉर्मेशन न्यूजीलैंड डिपार्टमेंट ने सेटअप किया है। पाकिस्तान में सर्वे ऑफ पाकिस्तान, भाई सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ पाकिस्तान। क्लियर, तो याद रखना SOI और SOP, ठीक है। पाकिस्तान वर्ल्ड का जो किया गया था कराची से किया गया था, ठीक है।
तो ये आपका जीटीएस होता है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट हमारा आता है क्या, परमानेंट बेंचमार्क। क्लियर, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, परमानेंट बेंचमार्क आता है। परमानेंट बेंचमार्क हमारा क्या होता है, परमानेंट बेंचमार्क आर एस्टाब्लिश्ड विथ रेफरेंस टू जीटीएस बेंचमार्क। देखो जीटीएस को आपने मीन सी लेवल के बेसिस पर एस्टाब्लिश किया है और परमानेंट बेंचमार्क को अब आप एज अ जीटीएस को रेफरेंस मान के एस्टाब्लिश कर रहे हो। क्लियर, परमानेंट बेंचमार्क को आप क्या कर रहे हो, एज अ जीटीएस को रेफरेंस मान के आप इसको एस्टाब्लिश कर रहे हो। दे आर एस्टाब्लिश्ड बाय लोकल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी और रेलवे एट रेलवे स्टेशन पब्लिक बिल्डिंग एट ब्रिज ईटीसी। क्लियर, मतलब जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी आपकी होती है उनके द्वारा परमानेंट बेंचमार्क को क्या किया जाता है, एस्टाब्लिश किया जाता है। क्लियर, रेलवे स्टेशन पे देखोगे, किसी ब्रिज के पियर्स पर आप देखोगे, पब्लिक बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ देखोगे, परमानेंट बेंचमार्क आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। क्लियर, परमानेंट बेंचमार्क जो आपका होता है यूजफुल आपका होता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके बाद आपका आता है टेम्पररी बेंचमार्क। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, टेम्पररी बेंचमार्क। तो टेम्पररी बेंचमार्क आर क्रिएटेड बाय द सर्वेयर इन द फील्ड टू मार्क द पॉइंट इन द फील्ड अप टू विच द सर्वे इज कंप्लीटेड। क्लियर, मतलब टेम्पररी बेंचमार्क आपका किसके द्वारा सेट किया जाता है, सर्वेयर के द्वारा फील्ड पर सेट किया जाता है। इसके द्वारा, सर्वेयर के द्वारा फील्ड पर आपका सेट किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन इट इज इजियर टू कंटिन्यू द सर्वे फ्रॉम दैट पॉइंट आफ्टर लार्ज गैप और द नेक्स्ट डे ऑफ द वर्क। द टेम्पररी बेंचमार्क पॉइंट शुड बी डिसाइडेड इन अ वे दैट द ऑब्जेक्ट और पॉइंट शुड बी परमानेंटली फिक्स्ड इन दैट पोजिशन। क्लियर, जो आपका पॉइंट रहेगा वो आपकी परमानेंटली उस पोजिशन पे फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट आपका आर्बिट्री बेंचमार्क होता है। आर्बिट्री बेंचमार्क क्या होता है, जैसे स्मॉल इंजीनियरिंग सर्वे प्रोजेक्ट आपके होते हैं उसके लिए आप आर्बिट्री बेंचमार्क का यूज करते हो। तो इन स्मॉल सर्वे वर्क और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इट इज इंपोर्टेंट टू नो द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ टू पॉइंट। क्लियर, हमें दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हेन दिस हैपन वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट रिड्यूस लेवल ऑफ डेड एरिया विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। क्लियर, हम विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल उस एरिया का रिड्यूस लेवल नहीं पता कर पाते हैं। सो सम फिक्स पॉइंट इन दैट एरिया आर आर्बिट्रली टेकन एज बेंचमार्क। क्लियर, एंड वैल्यू आर एज्यूम्ड, द एज्यूम्ड आर्बिट्री बेंचमार्क वैल्यू मे बी 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर ईटीसी। क्लियर, मतलब कहने का ये हो गया है कि जैसे हम किसी कॉलोनी को डेवलप करते हैं ना, कॉलोनी का रोड बनाना है, अब कॉलोनी का रोड बनाना है तो रोड के लिए आपको क्या करना है, अब आप भाई मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में आप एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे हो रिड्यूस लेवल। तो हमारे जैसे आसपास में जो घर बनाए हैं ना, घर का जो प्लिंथ लेवल आ रहा है उस प्लिंथ लेवल को आपने वहां पे एक फिक्स पॉइंट मान लिया कि भाई इसके रेफरेंस में आपको इतनी हाइट रखनी है आपके रोड की। क्लियर, तो जनरली आप 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर एज अ कंसिडर कर लेते हो तो वो आपके आर्बिट्री बेंचमार्क कहलाते हैं। क्लियर, अब अपने को आगे की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम बुकिंग करते हैं वैल्यूज की, जो बैक साइड होती है, इंटरमीडिएट साइड होती है आपकी, और आपकी क्या होती है, फोर साइड होती है। क्लियर, और साथ ही साथ हम बेंचमार्क बोल रहा हूँ, साथ ही साथ हम एडजस्टमेंट को भी देखेंगे और इंस्ट्रूमेंट देखेंगे कि लेबलिंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। क्लियर, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, क्लास ओवर।